रेलवे यूनियन अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अभी तक इनकी मांग सरकार ने नहीं मानी है। आज भी अंबाला में एनआरएमयू ने रेलवे स्टेशन के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। यूनियन नेता अजय गौड़ ने बताया कि आज का ये प्रदर्शन विशेष रूप से अपनी मांगों को लेकर है, जिसमें वो कर्मचारी जो रेलवे में अपना परीक्षण पूरा कर चुके हैं परंतु उनको नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं, जबकि भारतीय रेलवे में कर्मचारियों की भारी कमी है और सभी कमेटियों में लाखों पद रिक्त पड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस कारण एक तरफा तो कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ परीक्षण ले चुके कर्मचारियों का लाभ नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा श्रम संगठनों के विरोध के बावजूद संसद में 4 लेबर कोड पारित कर दिए गए हैं। यह एक मजदूर विरोधी कदम है जिसका ऑल इंडिया मेंस फेडरेशन एवं नॉर्दर्न रेलवे यूनियन पुरजोर विरोध करती है। उन्होंने अपनी मांगों के बारे में भी बताया कि 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करना, पुरानी पेंशन योजना को लागू करना, केंद्रीय तथा रेल कर्मचारियों के डीए पर लगी रोक को तुरंत प्रभाव से हटाना, निजीकरण को बंद करना व रिक्त पड़े पदों को भरना हमारी विशेष मांगे हैं। नमस्कार, मैं अजय गौड़ नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन से मीडिया कोऑर्डिनेटर हूं और साथ में यूथ प्रभारी हूं अम्बाला से। ये जो प्रोग्राम है आज का, हम लोगों का धरना प्रदर्शन है, ये देशव्यापी है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड शिवगोपाल मिश्रा जी के द्वारा ये प्रोग्राम इस बार की मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया है कि रेलवे एक्ट अप्रेंटिस को, जो काफ़ी समय से हमारे स्टाइफंड के ऊपर ड्यूटियां कर रहे हैं, तो साथ ही इस एक्ट अप्रेंटिस के लिए जो है वो काफ़ी टाइम से जॉब कर रहे हैं और एक्सपीरियंस काफ़ी है, उन लोगों को समायोजित करने के लिए डिमांड उठाई गई है और ये उनका हक है और इसी हक को दिलवाने के लिए ही फेडरेशन उनके खिलाफ आवाज़ उठा रही है सरकार के खिलाफ। लोगों का डीए है वो 1/1/2020 से, आप लोग सबको पता ही है मीडिया साथियों को, कि 1/1/20 से डीए है, एनडीए है, सब फ्रीज किया गया है। हमारा नाइट ड्यूटी अलाउंसेज है, जो नेचर के खिलाफ जाके भी हम लोग नाइट ड्यूटियाँ कर रहे हैं और बिल्कुल टफ से टफ फील्ड में कर रहे हैं। कोरोना के टाइम से भी, कोविड का पैनेडमिक टाइम था, प्रधानमंत्री के आदेश पे, रेल मंत्री के आदेश पे रेल चली है और रेल का आपको पता भी है कि अम्बाला डिवीज़न ने 256 करोड़ रुपये पर मंथ के हिसाब से अर्निंग फिगर भी दिया। वो तभी संभव हो पाया जब एक एक कर्मचारी ने ग्रास रूट पे जाके बहुत संघर्ष किया है और अपना काम है वो सही ढंग से किया है, तभी जाके ये संभव हो पाया। तो इस तरह के टाइम में सरकार कर्मचारियों को शाबाशी देने के बजाय, उनको कुछ इंक्रीमेंट देने की बजाय, आप उनका जो मॉरल डाउन करने का काम कर रहे हो, उनका डीए है, एनडीए है, वो फ्रीज कर रहे हो, तो ये कुठाराघात है सरकार का कर्मचारी के ऊपर और इन्हीं सरकार की मनमाने रवैये के खिलाफ है जो फेडरेशन अब आवाज़ उठा रही है। ये सिर्फ यही एक यूनियन है, एक ऐसी संस्था जो कर्मचारियों की न्याय के लिए लड़ाई लड़ती है, उनके अधिकारों के लिए, बाकी कोई लोग कहीं पर किसी तरीके से भी नज़र नहीं आते हैं, उनको सरकार के सामने रखता है और उसी का नतीजा है कि हम सरकार से बहुत कुछ हासिल करने में सफल रहते हैं और इस तरह की और जो डिमांड है हमारी उनको आगे बढ़ाते रहते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।